हेलो स्टूडेंट, आज गुजराती स्टैंडर्ड थर्ड में अपन देखेंगे खुट्टा अक्षरों लखो। खुट्टा अक्षर यानी क दिया है, उसके बाद क्या नहीं दिया है, ख नहीं दिया है, तो अपने को क्या लिखना है, ख खड़ियानो ख, उसके बाद ग, उसके बाद क्या नहीं दिया है, ग घरनो ग नहीं दिया, तो क्या लिखना है, ग घरनो ग, उसके बाद च चकली नो च, तो उसके बाद क्या आएगा, छ छतरी नो छ, उसके बाद जब जमरुक नो ज, तो उसके बाद क्या आएगा, ज जबला नो ज, यानी कि जो जगह दी है उसमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है, उसके बाद जो आता है, तो क कबूतर नो के बाद ख खड़िया नो ख, ग घर नो के बाद ग गणपति नो ग, के बाद ग घर नो ग, च चकली नो छ छतरी नो छ, ज जमरुक नो ज, के बाद ज जबला नो ज। अभी न के बाद क्या आएगा, प, प के बाद प, बाद में फ, फ के बाद क्या आएगा, ब, भ, बाद में म, य और र, तो तुम लोग को लिखना है, उसके बाद आ है, तो उसके बाद क्या आएगा, ठा, उसके बाद डा के बाद क्या आएगा, ढा, अणा के बाद क्या आएगा, ता, और ता के बाद था, और था के बाद क्या आएगा, दा। इसी तरह तुम लोग को लिखना है। उसके बाद मी, तो क्या आएगा, ई, री, तो ली, वी, तो क्या आएगा, सी, सी के बाद क्या आएगा, सी। समझ में आ रहा है। उसी तरह तुम लोग को बे के बाद क्या आएगा, भे, मे, ए, रे, ले, वे और से। दू, दू, नू, पू, फू, बू, बू, मू, पर इसी तरह पूरा कंप्लीट करना है। अभी उसके बाद एक थी दस शब्दों में लखो, यानी एक से दस तुम लोग को क्या लिखना है शब्दों में, तो एक, बे, त्रोन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस। अभी आगे है जोड़ का जोड़ो, तो इसमें क्या है, तुम लोग को एक तरफ नंबर दिया होगा और उसके बाद शब्द में लिखा होगा, तो तुम लोग को क्या करना है, उसमें से ढूंढ के लिखना है। तो देखो आठ है, तो आठ इधर कहाँ है, ए आठ है, उसके बाद त्रोन, तो ये क्या है, त्रोन, दस, तो कंस ए दस। अभी छ, तो छ कहाँ छे, आ, चार, पांच और नौ, तो तुम लोग को नोटबुक में कंप्लीट करना है, तीनों लिखना है खुट्टा अक्षरों, बाद में एक से दस शब्दों में लिखना है और ये मैचिंग। थैंक यू।